बिहार पुलिस के भी कारनामे अजब गजब हैं। कई बार आपने जीप को ठेलते हुए बिहार पुलिस को देखा होगा। कई बार अलग अलग तरह की बातों को लेकर मशहूर हो जाती बिहार पुलिस एक बार फिर से चर्चा में है। खबर समस्तीपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस कस्टडी से चोर भाग गया। आपको बता दें कि चोर को पेशी को लेकर कोर्ट में लाया गया था, वहीं सिपाही के हाथ से हथकड़ी छुड़ाकर चोर फरार हो गया। खबर बिहार के समस्तीपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है और समस्तीपुर सिविल कोर्ट परिसर में एक कैदी फरार हो गया है। कैदी के फरार होने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वारिस नगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक कैदी को पेशी के दौरान न्यायालय लाया गया था, जहां हथकड़ी खोलकर दो मंजिला कोर्ट परिसर से इमारत से कूदते हुए फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप सा मच गया। बताया जाता है कि कैदी मोहम्मद रजा चोरी के आरोप में गिरफ्तार था, जिसे जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान चौकीदार के हाथों से हथकड़ी चुराकर कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर वो फरार हो गया। यानी एक बार फिर से चर्चा में बिहार पुलिस ही है। लगातार ऐसे फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मी स्टाइल में कैसे चोर और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भाग जाते हैं, वैसा ही तस्वीर एक बार फिर से बिहार से निकलकर सामने आ रहा है। फरार होने के बाद प्रशासन के कान खड़े हुए, प्रशासन उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं आया। तस्वीरें देखिए, लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, यानी प्रशासन अब चोर को तो पकड़ लेती है, लेकिन कोर्ट ले जाते वो उनसे छुराकर, हाथ छुराकर कहें या उनसे अपना पिंड छुराकर भाग खड़ी होती है। उसके बाद प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है समस्तीपुर से, समस्तीपुर में ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और चोर फरार हो गया है। देखिए किस तरीके से प्रशासन से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा ही दिलचस्प है और पुलिस प्रशासन को लेकर सवालिया निशान एक बार फिर से खड़ा होता है। कार्य कर पाती है, लेकिन कोर्ट पहुंचते पहुंचते कैदी उनसे फरार हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।